दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो 12th फेल होने के बावजूद 30 लाख रुपए मंथली कमा रहा है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो 12th फेल होने के बावजूद सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेबसाइट डिजाइनर है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो यूट्यूब पे गेमिंग कम्युनिटी में सब्सक्राइबर्स के मामले में नंबर टॉप पर आता है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो गाइस 10 मिलियन सब्सक्राइबर सबसे पहले अचीव किया है। तो यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ टोटल गेमिंग के बारे में। एंड गाइस, टोटल गेमिंग के जितने भी बड़े बड़े फैंस हैं, जितने भी फैंस हैं, वो गाइस इस वीडियो को पूरा देखना। कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो इतनी ज़्यादा मोटिवेट करेगी कि गाइस आपको भी समझ में आने लगेगा कि गाइस क्यों वो इंडिया के नंबर वन सब्सक्राइबर्स गेन करके बैठे हैं। एंड गाइस, उन्होंने कितना ज़्यादा मेहनत किया है। एंड अज्जू भाई का जो फेस है वो भी गाइस इस वीडियो में रिवील हो जाएगी। जो भी गाइस मुझे डॉक्यूमेंट मिले हैं अज्जू भाई के बारे में, वो सब गाइस मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर गाइस आप अज्जू भाई के सच्चे वाले फैन हो तो गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये वीडियो देख के मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिले। तो बस गाइस, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अज्जू भाई जो आज अपनी सफलता की ऊंचाई पर खड़े हैं, वहाँ पर गाइस वो ऐसे तो नहीं पहुँचे होंगे। उनके पीछे की बहुत बड़ी कहानी भी रही होगी। तो यस गाइस, वो सब कहानी जानने के लिए हमें गाइस पास्ट में पीछे भी जाना पड़ेगा। मतलब कि गाइस उनका डेट ऑफ बर्थ हमें पता रहना चाहिए, उनकी फैमिली बैकग्राउंड हमें पता रहनी चाहिए, उनका पूरा नाम हमें पता रहना चाहिए। एंड गाइस, ये सब देखने के बाद ही उनकी जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो गाइस कंप्लीट हो सकती है। तो गाइस, इनमें से कुछ भी अगर मैं सर्च करूँ नेट पे तो गाइस मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि गाइस अज्जू भाई ने खुद कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया इंटरनेट के सामने। मतलब कि गाइस वो कौन है, उनका पूरा नाम क्या है, वो कहाँ पर रहते हैं। पर गाइस जितना भी मुझे मिला है वो गाइस मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। तो गाइस उनका जो होम टाउन है वो गाइस गुजरात के अहमदाबाद में है। एंड गाइस उनका जो अभी एज है वो 23 है। एंड गाइस जो उनका नेम है वो अजय है। और गाइस पीछे की जो कास्ट है वो गाइस उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है, तो गाइस हम भी नहीं जानते। तो मैं कैसे ही आपको बताऊँ। पर गाइस एक सबसे बड़ी मेन चीज़ गाइस मैं आपको बता दूं, अज्जू भाई 12th ड्रॉप आउट है, यानी गाइस उन्होंने 12th नहीं पढ़ी है, उन्होंने छोड़ दी है। तो ये सब होने के बावजूद भी गाइस अज्जू भाई आज जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पे गाइस अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं पहुँच पाते। एंड गाइस जितना भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो गाइस इतना कमा भी नहीं पाएंगे, शायद ही पढ़ गए, जितना गाइस अज्जू भाई यूट्यूब से अभी कमा रहे हैं। तो गाइस ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। वो गाइस 12th ड्रॉप आउट है। ये कहीं ना कहीं गाइस सभी को मोटिवेशन भी देता है कि गाइस अगर इच्छा शक्ति हो तो गाइस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इतना ही नहीं गाइस, वो आज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वेबसाइट डिजाइनर भी हैं। 12th ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी गाइस ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो गाइस देखने में तो पूरा असंभव ही हमें लगता है। तो उनकी जो लाइफ है वो गाइस हमें सबसे बड़ा जो सबक दे रही है वो गाइस यही है कि गाइस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं, क्या अज्जू भाई को शुरू से ही फ्री फायर गेम पसंद था? गाइस क्या अज्जू भाई पहले भी और कोई गेम पसंद करते थे या खेलते थे? तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, 2015 और 2018 में ही उन्होंने गेम स्टार्ट किया था। एंड गाइस 2015 में उन्होंने सिर्फ एक ही गेम खेला था, उससे पहले उन्होंने कोई सा भी गेम नहीं खेला था। क्लैश ऑफ क्लैन उन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था 2015 में। एंड गाइस क्लैश ऑफ क्लैन उन्होंने सिर्फ 2-3 महीने ही खेला था, जो गाइस उन्होंने खुद अपने वीडियो में भी बताया है। एंड गाइस उससे पहले ना ही उन्होंने कोई गेम खेला था। एंड गाइस उसके बाद सिर्फ उन्होंने एक ही गेम खेला है, वो गाइस फ्री द फायर है। एंड गाइस वो भी उन्होंने कैसे खेला, उसके भी पीछे गाइस एक छोटी सी स्टोरी है। गाइस जब वो अपने ऑफिस गए थे तो गाइस वहाँ पे एक बंदा फ्री फायर गेम खेल रहा था। अज्जू भाई को भी कहीं ना कहीं फ्री फायर गेम पसंद आने लगा था। गाइस उन्होंने जब यूट्यूब खोला तो गाइस उनके सामने JJ गेमिंग का एक यूट्यूब चैनल सामने आया था, जो गाइस फ्री फायर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तो गाइस ये सब देखते देखते गाइस अज्जू भाई इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गए। कहीं ना कहीं अज्जू भाई का जो इंस्पिरेशन है वो गाइस JJ गेमिंग को हम मान सकते हैं। गाइस उनको देख के ही वो यूट्यूब पर उतरे। एंड गाइस वो यूट्यूब पर उतरे तो उतरे, उन्होंने ऐसा जादू कर दिया कि गाइस आज वो इंडिया के नंबर वन सब्सक्राइबर्स के मामले में बैठे हैं टॉप पे। तो गाइस इससे ज़्यादा क्या ही बोले। मज़े मज़े में उन्होंने गाइस पूरा यूट्यूब गेमिंग कम्युनिटी में गाइस हिस्ट्री ही रच दी।
गेमिंग कम्युनिटी में गाइस वो एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने गाइस 10 मिलियन सब्सक्राइबर इंडिया में सबसे पहले अचीव किए हैं। एंड गाइस आज उसके सब्सक्राइबर्स गाइस 20 मिलियन भी हो चुके हैं। तो गाइस वो भी हम कह सकते हैं कि गाइस 10 एंड 20 मिलियन इंडिया में सबसे पहले अचीव जिस यूट्यूबर ने किया है उसका नाम अज्जू भाई है। एंड गाइस अज्जू भाई ने हिस्ट्री रच दी। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं अज्जू भाई की इनकम की। तो गाइस जो उनका इनकम मंथली है वो गाइस 21 लाख से 30 लाख रुपीज़ है। गाइस वो इतना सिर्फ यूट्यूब से ही कमाते हैं। इसके अलावा भी गाइस वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेबसाइट डिज़ाइनर है, उनसे भी इनकी इनकम अलग होती है। तो गाइस यस, ये कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है। एक 12 ड्रॉप आउट लड़का गाइस इतना पैसे कमा रहा है, इतना फेम कमा रहा है, इंडिया में नंबर वन सब्सक्राइबर गेन करके बैठा है। ये कहीं ना कहीं गाइस बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली चीज़ है गाइस एक इंसान को कि गाइस अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि अज्जू भाई की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए। एंड गाइस उनसे कहीं ना कहीं वो मोटिवेट भी हो पाए। आई होप गाइस मैंने इस वीडियो में लगभग सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया है। एंड गाइस अगर आपको अज्जू भाई का फेस देखना है तो गाइस मुझे तो नहीं पता उनका फेस ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, पर गाइस मुझे इंटरनेट में जो फुटेजेस मिली हैं वो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस आप बोलना क्या ये अज्जू भाई ही हैं या फिर नहीं है। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना सही। तो गाइस अगर आपको अज्जू भाई के सक्सेस स्टोरी का ज़्यादा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस आप बीपू गेमर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस वो अपने चैनल पे फ्री फायर गेम्स रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आई होप गाइस अगर आप उनके चैनल पे जाओगे तो गाइस आपको वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। उनका कंटेंट बाकी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइस मैंने उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।